आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर हम किसी को माल बेचते हैं या किसी से माल हम खरीदते हैं तो उसमें से अगर कुछ माल हम क्या करते हैं कि कस्टमर को वापस करते हैं और मतलब जिससे सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसमें से कुछ माल हम उसको वापस कर रहे हैं या जिस पर्सन को हम लोग सामान बेचे हैं वो हमको कुछ माल वापस कर रहा है तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे टेली प्राइम में यही चीज़ देखेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पास हेडिंग uh, हमें हमारे पास लिखा क्या है कि टैली में खरीदा या बेचा हुआ माल को वापस करने का एंट्री करना सीखें ठीक है तो हम लोग यही चीज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग माल को वापस करने का एंट्री हम लोग कर सकते हैं सबसे फर्स्ट लिखा है क्या खरीदी हुई माल को वापस करने का एंट्री ठीक है तो जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी पर्सन से हम लोग सामान खरीदते हैं और उसमें से कुछ सामान हम क्या करते हैं कि वापस करते हैं तो कहला जाता है क्या है परचेस रिटर्न जैसे यहाँ देखिए लिखा है परचेस रिटर्न जिसको हिंदी में बोलते हैं लिखा है कि जब हम खरीदे हुए माल में से कुछ माल को वापस करते हैं तो उसे क्रा वापसी अर्थात परचेस रिटर्न कहते हैं ठीक है मतलब किसी पर्सन से हम सामान कुछ खरीदे और उसमें से कुछ माल हम उसको वापस किए तो क्या कहा ला गया परचेस रिटर्न खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास राकेश को पांच रुपए का माल वापस किया मतलब राकेश हमको सामान खरीदे होंगे जिसमें से हम पांच रुपए का माल उसको वापस कर रहे हैं ठीक है उसी तरह से अगेन हमारे पास क्या है तो सुरेश को हम लोग क्या करें कि माल वापस कर रहे हैं क्या क्या माल वापस करें तो नीचे यहाँ डिटेल दिया है कि हम ये माल जिसे बुक दो पीस कर रहे हैं पेन वन पीस और प्रिंटिंग पेपर थ्री पीस हम लोग क्या करें कि वापस माल कर रहे हैं ठीक है नीचे नोट लिखा है कि टैली में माल वापस करने का एंट्री क्या करते हैं डेबिट नोट वाउचर में किया जाता है मतलब अगर हम माल वापस करने का एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट नोट वाउचर है उसी में हमको एंट्री करना पड़ेगा ठीक है उसी तरह नीचे लिखा है फिर क्या कि बेचा हुआ माल को वापस लेने का एंट्री मतलब हम किसी कस्टमर को माल बेच दिए अब उसमें से वो क्या करे कस्टमर कुछ माल वापस करे तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे तो जो हमको माल वापस मिलता है जो हम लोग माल बेच दिया जो हमको कस्टमर से वापस माल बेचता है उसको बोलते हैं क्या सेल्स रिटर्न जिसको हिंदी बोलेंगे विक्रय वापसी जैसे ऐसा व्यक्ति जिसको हम उधार माल बेचते हैं और उसमें से कुछ माल वह वापस करता है तो उसे बिक्रय वापसी अर्थात सेल रिटर्न कहते हैं ठीक है मतलब किसी कस्टमर को हम उधार माल या नगद माल बेच दिए अब वो क्या करे उसमें से कुछ माल हमको क्या करे वापस कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्या सेल्स रिटर्न ठीक है मतलब माल हमको कुछ वापस मिल रहा है जैसे राखी से एक हजार रुपए का माल वापस मिला मतलब राखी को हम क्या किएंगे कुछ सेल किए होंगे जिसमें से हमको एक हजार रुपए का माल वापस राखी तो उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है कि राजू से कुछ माल वापस मिला थीके? और नीचे दिया है कि क्या -क्या माल हमको वापस कर रहा है थीके? और नीचे नोट लिखा है मतलब हमको सेल का एंट्री करना है तो क्रेडिट नोट वाउचर में करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं इसी को प्रैक्टिकल हम टेलीप्राइम में किस तरह से इसको एंट्री करेंगे तो जस्ट हम लोग यहाँ पास टेलीप्राइम स्लॉपटॉप ओपन कर लिए अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पास लेजर बनाना पड़ेगा क्या क्या चीज का तो एक सेल रिटर्न और एक परचेस रिटर्न का तो जस्ट हम लोग यहाँ पर सेल से रिटर्न परचेस रिटर्न का लेजर बना लेते हैं तो जस्ट क्रिएट में गए या लेजर्स में गए लेजर में जाने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं एक सेल्स रिटर्न एंटर करेंगे अब इसको डालेंगे किस में तो सेल्स अकाउंट में डालेंगे एस करेंगे तो जस्ट हमारे पास ये सेल्स अकाउंट आ जाएगा अब जस्ट इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे उसी तरह एक लेजर हमारे पास बनेगा क्या परचेस रिटर्न इसको भी हम लोग डालेंगे किसमें तो परचेस अकाउंट में जस्ट परचेस अकाउंट में लोग डालेंगे और जस्ट इसको हम टेप कर लिए तो ये दो लेजर हमारे पास बन गया सेल रिटर्न रिटर्न एंड परचेस का अब जस्ट इसके बटन दबाते हुए हमको पीछे आना है अब एंट्री करने के लिए जस्ट हमको वाउचर्स में जाना है ठीक है वाउचर्स में क्या अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरह से एंट्री करेंगे मतलब यहाँ पर जो हम लोग खरीदा हुआ माल को वापस कर रहे हैं तो उसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे जैसे फर्स्ट uh, क्वेश्चन क्या है कि राकेश को पांच सौ रुपए का माल वापस कर रहे हैं तो इसका एंट्री हम लोग देखते हैं तो राकेश को पांच सौ रुपया का माल वापस करे मतलब हम राकेश से सामान खरीदे थे अब हम क्या करें कि उसको कुछ पांच सौ रुपया का माल वापस कर रहे हैं तो नीचे नोट क्या लिखा है कि टैली में माल वापस करने का एंट्री डेबिट नोट वाउचर में किया जाता है मतलब खरीदा हुआ माल को हम क्या कर रहे हैं वापस कर रहे हैं तो इसका एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करना पड़ेगा तो जस्ट हम टैली ओपन कर लिए अब यहाँ देखिए यहाँ पास हमारे पास कहीं भी डेबिट नोट वाउचर यहाँ शो नहीं कर रहे राइट साइड में यहाँ पर जो वाउचर शो कर रहे हैं कहीं डेबिट नोट वाउचर शो नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा जस्ट अदर वाउचर्स में जाएंगे ठीक है जिसका शॉर्टकट है एप टेन अब यहाँ पर शो इनएक्टिव में जाएंगे तो इनएक्टिव में क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए हमारे पास शो, शो कर रहा है क्रेडिट नोट शो कर रहा है एंड डेबिट नोट शो कर रहा है यहां देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट जिसका क्रेडिट नोट का देखिए शॉर्टकट क्या दिखा रहा है ऑल्ट प्लस एफ सिक्स डेबिट नोट का क्या शो कर रहा है ऑल्ट प्लस एफ फाइव ये शॉर्टकट है अगर क्रेडिट नोट का हमको यूज करना है तो ऑल्ट प्लस एफ सिक्स डेबिट नोट करना है तो ऑल्ट प्लस एफ फाइव ठीक है

राकेश को पांच सौ रुपए का माल वापस कर रहे हैं। तो राकेश क्या है एक व्यक्ति है एक पर्सन है तो हमारे पास एंट्री करने का रूल्स क्या है कि पाने वाले को डेबिट यहाँ देखिए व्यक्तिगत एक खाता मतलब पर्सनल अकाउंट पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्या करना है क्रेडिट तो राकेश क्या है एक पर्सन है तो राकेश यहाँ पास क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा जस्ट परचेस रिटर्न मतलब हम लोग सामान क्या करें कि खरीदा हुआ माल को वापस कर रहे हैं तो क्रेडिट क्या हो जाएगा परचेस रिटर्न जस्ट हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पास डेबिट में हमारे पास हो जाएगा राकेश राकेश हम सिलेक्ट कर लिए अब यहाँ पास एंटर करेंगे अब ये सब डिटेल हम लोग डिस्प्ले से सब डिटेल हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर जो मांग रहा है ठीक है इसके बाद कितना का माल वापस कर रहे हैं तो जस्ट हम पांच सौ रुपया का माल वापस करें पांच सौ रुपया करेंगे एंटर करेंगे अब यहां पास हम क्या किए कि परचेस रिटर्न ठीक है मतलब क्या कर रहे हैं कि हम लोग परचेस रिटर्न करें तो जस्ट परचेस रिटर्न हम लोग करेंगे वाउचर्स एंटर ठीक है अब यहाँ पास पूछ रहे कि क्या आइटम आप रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास आइटम नहीं है पांच सौ रुपया डायरेक्ट अमाउंट है ठीक है तो एंटर करेंगे एंटर अब जस्ट हम लोग यहाँ में डिटेल डाल सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं तो जस्ट हम तो लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं लिख दिया हैं पास और जस्ट एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे पास डेट का मैसेज शो तो हम एक चार दो हजार तेईस और यहाँ इकतीस तीन दो हजार चौबीस ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है जस्ट इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग अभी भी डेट का मैसेज शो कर रहे तो फिर से एप टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास किस डेट में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो डेट डालेंगे तो जैसे हम यहाँ पास डाल दिए एक दस दो हजार तेईस ये हम डेट डाल दिए एक्सेप्ट ये हम डेट यहाँ पास डाल दिए ये हमारे पास जो राकेश हम लोग सामान कुछ खरीदे थे जिसमें से हम क्या किए कि पांच सौ का माल मतलब राकेश को पांच सौ का माल वापस किए ये वाला एंट्री हमारे पास हो चुका अब सेकेंड एंट्री देखते हैं हम तो सुरेश को माल वापस कर रहे हैं ठीक है अब सुरेश को माल वापस कर रहे हैं और यहाँ सुरेश का क्या 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 हो रहा रहा है है कि कि डिटेल दे माल वापस कर रहे हैं तो इसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पास चेंज करना पड़ेगा मोड मतलब हमारा वाउचर वही रहेगा डेबिट नोट वाउचर रहेगा क्योंकि हम खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो उसका हमको किसमें एंट्री करना है डेबिट नोट वाउचर में करना है लेकिन जो हम माल वापस कर रहे हैं

और सुरेश कुमार वापस करें तो सुरेश हमारा क्या हो जाएगा पार्टी का नेम में वापस हो जाएगा तो जस्ट हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लिए क्या सुरेश ठीक है सुरेश सेलेक्ट कर लिए फिर यहाँ पास ये सब जो डिटेल मांगेगा ये सब हम लोग डालेंगे डिटेल जो अगर है तो आपके पास ये सब हम लोग डालेंगे इन्वॉइस नंबर क्या ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर ये सब आप डाल सकते हैं तो हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं इंटर कर रहे इंटर करेंगे अब हम लोग क्या करें यहाँ पास जस्ट परचेस रिटर्न करें तो परचेस रिटर्न सेलेक्ट करेंगे इंटर अब क्या रिटर्न करें आइटम का हम यहाँ पास डिटेल देना है तो जस्ट हमारे पास आइटम क्या है कि बुक हम लोग दो पीस रिटर्न कर रहे हैं ठीक है तो यहां लिखेंगे बुक बुक कितना दो पीस ठीक है इंटर करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या है कि जस्ट पेन पेन कितना एक पीस है तो जस्ट हम पेन सिलेक्ट कर लिए इंटर किए वन पीस ठीक है

यहाँ ना रेशन डाल सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो जस्ट हम लोग कर रहे हैं क्या गुड्स रिटर्न कर रहे हैं करते हुए जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे ये हमारे पास एंट्री हो चुका अब यहाँ पास देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं और जैसे यहाँ पास डेबिट नोट का हमारी एंट्री हो गया कि राकेश को हम पांच रुपए का माल वापस किए उसका भी एंट्री कर चुके सुरेश को हम माल वापस किए उसका भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल रिटर्न का एंट्री हम लोग कैसे कर सकते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राखी से एक हजार रुपए का माल वापस मिला ठीक है मतलब राखी को हम लोग क्या किए थे कि सेल किए थे अब उससे हमको क्या करा है कि एक हजार रुपए का माल वापस मिल रहा है तो इसका एंट्री करने के लिए जस्ट हमको कहाँ जाना पड़ेगा क्रेडिट नोट वाउचर में जाना पड़ेगा तो जस्ट टी हम लोग ओपन किए जिसका शॉर्टकट है क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट क्या है ऑल्ट प्लस एप सिक्स ऑल्ट प्लस एप सिक्स करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्रेडिट नोट वाउचर आ चुका है अब यहाँ पास हमको क्या करना पड़ेगा मोड भी चेंज करना पड़ेगा मतलब डेबिट क्रेडिट मोड लाना पड़ेगा तो जस्ट हम लोग यहाँ पास चेंज मोड में गए पर जस्ट हमको गएर सेलेक्ट करना है तो यहां देखिए हमारे पास पास डेबिट क्रेडिट मोड आ चुका अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि राखी से एक हजार रुपए का माल वापस मिला ठीक है तो राखी यहाँ पास क्या हो जाएगा राखी से एक हजार रुपया का माल वापस हो रहा है तो जस्ट हम लोगों को यहाँ पास डेबिट क्रेडिट क्या होगा तो राखी से मिल रहा है तो राखी पास क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा मतलब रूल्स हमारे पास क्या है कि आ, मतलब पर्सनल अकाउंट है राखी क्या एक पर्सन है तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्या करना है क्रेडिट तो राखी हमको दे रही है तो राखी क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा अब पा कौन रहे हम पा रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा कि सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा क्रेडिट क्या हो जाएगा राखी हो जाएगा ये हमारे पास डेबिट क्रेड होगा जस्ट हम लोग यहाँ पास क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा राखी एंटर करेंगे इंटर करते हुए फिर यहाँ पर हम ये सब डिटेल डाल सकते हैं अब तो कितना का हम राखी से माल वापस ले रहे हैं तो हजार रुपए का इंटर अब डेबिट में क्या हो जाएगा तो जस्ट हमारे पास सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा इंटर अब जस्ट हम लोग यहाँ पास नरेशन डालेंगे क्या हम लोग कर रहे हैं तो राखी हम नरेशन डाल दिए जस्ट एंट्री कर दिए ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गया ठीक है उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि राजू से कुछ माल वापस मिला मतलब क्या क्या मिल रहा है तो बुक मिल रहा है पेन मिल रहा है प्रिंटिंग में मिल मिल रहा है राजू से हमको ये वापस माल मिल रहा है तो ये भी हमारा क्या क्रेडिट नोट वाउचर में होगा क्योंकि राजू को हम बेचे थे अब वो हमको माल वापस कर रहा है तो क्रेडिट नोट वाउचर में होगा तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फिर से टैली में गए अब यहाँ पास मोड हमको चेंज करना पड़ेगा मोड चेंज करने के लिए जस्ट हमको करना पड़ेगा क्या यहाँ पास चेंज मोड में जाना पड़ेगा यहाँ पास जस्ट हमको चेंज मोड में जाएंगे और यहाँ पास जस्ट हमको आइटम इन वॉइस सेलेक्ट करना है अब यहाँ पास जस्ट पार्टी अकाउंट नेम तो किससे हमको मिल रहा है राजू से क्वेश्चन देख लेते एक बार राजू से ठीक है तो राजू हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लिए एंटर करेंगे अब यहाँ पास क्या हो रहा है हमको सेल रिटर्न हो रहा है तो जस्ट सेल रिटर्न हम लोग सेलेक्ट करेंगे अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है क्या आइटम हमको मिल रहा है तो जस्ट मिल रहा है बुक दो पीस पेन एक पीस तो डालते हम लोग बुक दो पीस ठीक है और पेन क्या है हमारे पास एक पीस है पेन एक पीस ठीक है फिर क्या है प्रिंटिंग पेपर कितना है प्रिंटिंग पेपर दो पीस है तो दो पीस हम लोग प्रिंटिंग पेपर प्रिंटर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ये हमारे पास हो गया अब जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे हम लोग रेशन डाल सकते हैं गुड्स ऋषि राजू इस तरह से हमने रेशन डाल दिया अब जस्ट इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दिए तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सेल रिटर्न और पचीस सीटर का एंट्री कर सकते हैं अब हमको थोड़ा सा रिपोर्ट चेक करना है तो जस्ट इसके बटन में पीछे आएंगे अब बैलेंस शीट में जाएंगे बैलेंस शीट में जाने के बाद जस्ट हम लोग करंट करंटा में आएंगे क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे तो यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं अपने आइटम का क्या 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 हमारे पास डेबिट नोट हुआ है क्या क्रेडिट नोट हुआ है देखिए यहाँ पास दिखा रहा है सुरेश से हम लोग क्या किए से हमको हम लोग रिटर्न किए क्या क्या रिटर्न बुक रिटर्न किए पेन रिटर्न प्रिंटिंग पेपर रिटर्न किए पास पास हमारे डेबिट नोट का डिटेल दिखा रहा है इसके बटन पीछे यहाँ पास देखिए क्रेडिट नोट का दिखा रहा है उसी तरह क्रेडिट नोट का दिखा रहा है एंटर करेंगे तो यहाँ पास क्रेडिट नोट में हमारे पास दिखा रहा है कि क्या क्या हमको माल वापस मिला राजू से बुक मिला है पेन मिला है प्रिंटिंग पेपर मिला है यहाँ पास हमारे पास दिखा रहा है

पचेस रिटर्न एंड का एंट्री हम लोग कर सकते हैं तो आई होप ये वीडियो को समझ में आगे करिए वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंक यू